टर्न। मुनावर ने जो ये कांड वांड किए हैं उसके चक्कर में उसको बहुत हेटर्स हैं उसके। मुनव्वर ने कौन सा कांड किया? मैंने मीम शेयर किया तो फिर एल्विस का रिप्लाई आता है, भाई याद दिला दो दिल्ली ही रहता है। पता नहीं शायद नंबर मांगा था तो मैंने लिखा कि भाई शायद नहीं एग्जैक्टली बताओ। एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं, डीएम अभी देख के बताऊंगा। अगर डीएम लास्ट मैसेज अभी देख के बता दो। बताता हूँ मैं दिखा रहा हूँ ना यहाँ से देखो। अरे आप मुझे दिखा क्यों नहीं रहे हो? अरे नीचे का चैट नहीं दिखाऊंगा ना। नंबर भेज, एल्विस ने लिखा। फिर मैंने लिखा इसके बाद आप अपने ही तो पढ़ा दो आपने क्या क्या रिप्लाई दिया। मैंने दोबारा कॉल आता है एल्विस का कि जहाँ मैं बुलाता वहां तो मैं तेरे को मारता नहीं। मैंने जो कैमरा लगा रखा था आईफोन का कैमरा था विजिबल थी विजिबल था। हाँ उसकी जो मोबाइल से रिकॉर्डिंग है वो है मेरे पास, वो एचडी में है। तो वो जो लगा रखा था वो लड़ाई के वक्त वो रिकॉर्डिंग बीच में बंद हो गई क्योंकि वो फोन उठा लिया था। रिकॉर्डिंग आप मुझे दे ले लेना उससे मेरे भाई से अगर उसके पास होगी तो। मैंने उसकी कॉलर पकड़ ली थी, छोड़ा ही नहीं कॉलर पकड़ के, उन्हें ये हाथ ब्लॉक कर देता ताकि उसका पैर ना लगे। मैक्सटन और एल्विश में सुलह हुई या फिर ये फिर फेक पब्लिसिटी कर रहे हैं कि हाँ हम लोग दोस्त हैं? कराना पड़ेगा। हाँ दैट्स इट। उसके बाद पूरे परिवार के लिए हाँ हाँ मेरे घर के नंबर आइडिया कहाँ से आ रहे थे या फिर एल्विश साइड? नहीं वो तो देखो अगर पर्टिकुलर जब तक आप केस कर चुके थे तो केस 8 तारीख को कर दिया था, सुबह लड़ाई हुई थी 12 बजे के अकॉर्डिंग। डर गए थे केस करने क्या डर गए थे एल्विश? वायरल क्लिप्स निकालना चाहते हो क्या? मेरे को पब्लिक में ये दिखाना था कि हमारी दोस्ती हो गई है। फिर उसके बाद उसने क्या एल्विश ने बोला केस वापस ले ले या फिर मैक्सटन को फिर से धमकी मिली पेरेंट्स के आगे कि केस वापस ले? चलो अब एल्विश को कॉल लगाओ, अब सुलह हो गई ना, अब कॉल लगाओ। और क्या, जब मैंने ट्विटर की चैट्स पढ़ी अभी व्हाट्सएप चैट्स पढ़ी तो कॉल लगाओ दोस्त है तो लगा क्या बोलूं क्या? अगर आपने कॉल नहीं लगाया मैं इंटरव्यू तो कंटिन्यू रखूंगी। मैं अपने कैमरा पर्सन आयुष से बोल दूंगी बिल्कुल ऑफ मत कर। अरे यार मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूं यार। ये शूट पे ही है, मैं कह रहा हूं ना शूट पे ही सारे आईफोन। हां कॉल आ गया, कॉल आ गया, कॉल आ गया, एक मिनट स्पीकर। भाई मैं स्टूडियो में बैठा हूं अभी, ठीक है, न्यूज 24 के स्टूडियो में बैठा हूं। राजवीर का इंटरव्यू लेने के बाद मुझे इतने सारे डीएम आए कि आप लोग मैक्सटन को क्यों नहीं बुला रहे हो। और जाहिर सी बात है एल्विश यादव का नाम जहां आता है तो उसके बाद छाता है एक और नाम मैक्सटन। और क्यों कि एल्विश और मैक्सटन की सुलह हुई कि नहीं हुई या फिर से दोबारा लड़ाई होने वाली है इनकी? तो चलिए आपके इन्हीं सारे क्वेश्चंस के सारे जवाब मैं मैक्सटन के थ्रू ही दिलवा देती हूँ। तो आज हमारे स्टूडियो में मेहमान है मैक्सटन, तो चलिए स्वागत करते हैं मैक्सटन का। मैक्सटन वेलकम टू न्यूज 24। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैक्सटन बोलने में ही नाम में टर्न जो लास्ट में है ना, और लाइफ में जो कॉन्ट्रोवर्शियल टर्न लिया आपने एल्विश के साथ वो पूरी स्टोरी मुझे जाननी है, वो पूरा विवाद एल्विश के साथ जो आपका हुआ था। एकदम शुरू से बताऊं? शुरू से। वैसे मैं बहुत बार बता चुका हूँ फिर बताता हूँ। तो शुरू हुई थी कहानी बिग बॉस का टाइम से। फुकरा एल्विश दोनों घर के अंदर थे तो मैं तो दोनों को जानता था 3 या 4 साल से, एक साथ ही मिला था मैं दोनों से। बस मैं दोनों को सपोर्ट कर रहा था। फिर क्या होता ना, एक ट्विटर स्पेस बनती है, ठीक है, ट्विटर स्पेस में लक्ष्य चौधरी वन ऑफ द फेमस रोस्टर है, वो ऐसे ही मजाक में बोलता है कि मैक्सटन को मैंने एल्विश के हेटर्स वाले स्पेसिस में बैठते हुए देखा है। फिर इसके बाद एक पर्टिकुलर बंदा वहाँ उसी स्पेस में गाली गलौज करने लगता है, वो थोड़ा इन्फ्लुएंशियल था। उसके बाद क्या होता है, जो ज़्यादातर लोग हैं उनको लगता है सच में ऐसा होता होगा। अब लक्ष्य बोल देता है अरे नहीं मैं मजाक में बोल रहा था, पर तब तक देर हो चुकी थी, वो वीडियो रिकॉर्डिंग वायरल हो चुकी थी। तो वहाँ ना लोगों के पर्सपेक्टिव बन गया। उसके बाद मेरे खिलाफ ट्रोलिंग चलने लग गई। तो नॉर्मल ट्रोलिंग चल रही थी, एक बार अवॉइड किया, दो बार अवॉइड किया, फिर एक लेवल के बाद ऐसा हुआ मतलब एल्विश आदमी की तरफ से मेरे को वो आने लग गए हेट, तो मैं अवॉइड कर रहा था। फिर क्या हुआ था कि एक टाइम के बाद ना मैं थोड़ा सा ट्रिगर होना शुरू हो गया कि किसी एक को पकड़ के, जैसे मान के चलो वो गाली दे रहा है, मैं उसको पकड़ के गाली दे दे रहा हूँ, तो ये सीन भी हो गया। फिर इसके बाद क्या हुआ, म्यूचुअल बंदे भी करने लग गए ट्रोलिंग जिनको एल्विश फॉलो करता था। जब म्यूचुअल बंदे फॉलो ये करने लग गए ट्रोलिंग तो फिर तब मेरा ट्रिगर पॉइंट और बढ़ा। फिर एक टाइम के बाद मैंने एल्विश को पहले व्हाट्सएप किया कि ये भाई आपके जान पहचान के बंदे ये कर रहे हैं, हेट फैला रहे हैं, ये क्या सीन है इनका।
फिर व्हाट्सएप पे रिप्लाई नहीं आया, डबल टिक होकर छूटा हुआ था, तो मैंने इंस्टा पे मैसेज किया क्योंकि इंस्टा पे आया था, पढ़ लिया, ब्लू टिक नहीं आया था, ग्रे टिक ही था। तो फिर मैंने इंस्टा पे मैसेज किया, वहाँ ना दिखता है कि कौन ऑनलाइन है कौन नहीं। और आपने मैसेज क्या किया वैसे? मैसेज ये यही सेम मैसेज जो व्हाट्सएप पे मैंने किया था कि एलविश भाई ये जो हेड प्लान है कैसे, तो एलविश भाई वॉइस नोट भेजते, देखो भाई मैं तो बिजी रहता हूँ शूट में, मेरे को नहीं पता है क्या चल रहा है इंटरनेट पर क्या नहीं, तो आप अपना देख लो। तो फिर उसके बाद चलो ठीक है, मैंने यहाँ पे एक्सेप्ट किया कि चलो कोई नहीं। उसके बाद क्या हुआ, ये रुका नहीं, चलता गया। तो फिर मैंने ना एक ट्रिगर पॉइंट के बाद ना मेरे को थोड़ा सा फिर गुस्सा आया, मैंने फिर एलविश को टैग करके लिख दिया कि ये किन गवारों को फॉलो करके रखा है, ठीक है, मैंने ऐसे ही टैग करके लिख दिया। तो मैंने तो बस लिख दिया, उसके बाद हेट आना दोबारा शुरू हुआ। फिर क्या हुआ, एलविश ने इस पर रिप्लाई कर दिया, तुम्हें अनफॉलो कर दो। फिर मैंने लिख दिया हाँ कर दो। जैसे मैंने ये रिप्लाई किया ना, एलविश यूज्ड टू फॉलो यू, हाँ उस समय फॉलो तो 3 साल से हम कर रहे थे दूसरे को, क्योंकि हम पबजी में मिले थे ना, पबजी के थ्रू मिले थे। तो फिर एलविश ने कहा तुम्हें अनफॉलो कर दो, फिर तो मैंने कहा मैं ही कर देता हूँ, ठीक है, ऐसे करके मैंने लिख दिया। सेड दैट, हाँ ये ट्वीट में है, सेव है अभी तक। तुमने कर दिया अनफॉलो एलविश को? हाँ, तो उस समय मैंने कर दिया। ऑब्वियसली मैं नहीं भी करता तो वहाँ से होना ही था, तो इससे अच्छा मैं ही कर देता हूँ। तो उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही मैंने ये ट्वीट किया, वो तो वो जाने मैं फेवर में नहीं हूं, मैं बस पूछ रही हूं कि होता है ना सर फॉलो अनफॉलो खेलते खेलते आपको। नहीं देखो, फॉलो अनफॉलो जितना मुझे लगता है एक टाइम के बाद कई सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको फर्क पड़ना बंद हो जाता है। एलविश भी उन लोगों में से है, मैं भी उन लोगों में से ही हूँ कि हमको फर्क ही नहीं पड़ता कौन हमें फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा, ठीक है। तो जैसे ही मैंने ये रिप्लाई किया मैं ही कर देता हूँ, उसके बाद ना वापस से जो फैन पेजेस थे, जो बड़े बड़े फैन पेजेस थे एलविश की तरफ से, वो उन्होंने ना हैशटैग ट्रेंड चला दिया गालियों वाले मेरे नाम के आगे, गाली लगा के, और उस पर लगभग 25 से 30 हज़ार ट्वीट्स हुए, ठीक है, 25 से 30 हज़ार ये सिलसिला चला। फिर ये हेट आना बंद नहीं हुआ, फिर उसके बाद मैं भी कभी कभार रिप्लाई करता था, फिर थोड़ा टाइम में आगे जाते हैं। उसके बाद क्या हुआ, मुनावर वाला सीन आया, मुनावर गया बिग बॉस में, तो मुनावर वाले बिग बॉस में मैंने बस ये लिख दिया, द प्रोबेबिलिटी ऑफ मुनावर फारूक की विनिंग द शो इज अप्रॉक्स 75%। बस इस एक ट्वीट पे मेरे को वापस से जो म्यूचुअल बंदे थे, जो फैन पेजेस बड़े बड़े फैन पेजेस थे, वो हेट फैलाने लग गए, तो कि इसको अपना बाप बना ले, ये वो आतंकी, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे मुनावर को, ठीक है। तो मुनावर ने जो ये कांड वांड किए हैं उसके चक्कर में उसको बहुत हेटर्स हैं उसके। पर मुनावर ने कौन सा कांड किया, ये कौन सा कांड मुझे भी, अरे वो कुछ तो जोक वोक बनाए थे, मैंने आधी क्लिप्स देखी है, पूरी क्लिप्स मैंने देखी नहीं है, लेकिन जो आधी क्लिप्स देखी है उसमें ये पता लगता है कि उसने हिंदू गॉड्स का मजाक बनाया, ठीक है, तो हिंदू गॉड्स का मजाक बनाया, तो अब बदल रहा है, बीच की भूल चुका हूँ। तो बात ये थी कि मैंने बिग बॉस में पहुंचा, हाँ जब पहुंचा तो मैंने ये ट्वीट किया, फिर उसके बाद हेट आना शुरू हुआ, फिर क्या हुआ, फिर टाइम में आगे आते हैं, ऐसी बहस चलती रही बीच बीच में। फिर क्या हुआ, मुनावर का कोई तो मैच था क्रिकेट का, ठीक है, वो अक्षय कुमार ये सब भी थे उसमें, तो उसमें वो एलविश और वो दोनों मिले। तो फिर मेरे को ना वो पुराना याद आ गया कि मेरे को सिर्फ एक ट्वीट करने पे एलविश आदमी की तरफ से इतना हेट मिला, यहाँ पे गले मिल रहे हैं तो यहाँ पे प्यार बांटो भाईचारा ये सब चल रहा था, तो उस पर मैं थोड़ा सा ट्रिगर हो गया कि ये क्या चल रहा है। तो फिर मैंने एक मीम शेयर कर दिया कि हर इंसान दोगला है, ये वो फलाना ढिकाना, एलविश की आवाज़ थी और फोटो लगा दी एलविश मुनावर की, ठीक है, वो मैंने मीम शेयर किया। तो फिर एलविश का रिप्लाई आता है, भाई याद दिला दो दिल्ली ही रहता है तू, यहाँ से स्टार्ट हुआ, हाँ। तो फिर उसने फिर से रिप्लाई किया, तो फिर मैंने रिप्लाई किया याद दिला दो दिल्ली रहता है, शायद मैं मेरे को याद नहीं मैंने क्या रिप्लाई किया, शायद मैंने ये लिखा थैंक्स भाई याद दिलाने के लिए, शायद मैंने यही लिखा, अपने यही लिखा था मैंने, मेरे को याद नहीं है। बस उसके बाद क्या हुआ, मेरे को मैसेज आया हुआ था एलविश का ट्विटर पे कि अपना ये नंबर दे, ठीक है, तो सॉरी नंबर दे क्या था, एड्रेस दे, पता नहीं शायद नंबर मांगा था। तो मैंने लिखा कि भाई शायद नहीं एग्जैक्टली बताओ, एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं, डीएम अभी देख के बताऊंगा, अगर डीएम लास्ट मैसेज अभी देख के बता दो, बताता हूँ मैं, नंबर ही मांगा होगा जितना मुझे याद है, हमें भी तो क्लियर हो किसने क्या मैसेज क्लियर क्या क्या लिखा था। अरे आप मुझे दिखा क्यों नहीं रहे हो, अरे नीचे का चैट भी दिखाऊंगा ना, नंबर भेज एलविश ने लिखा, फिर मैंने लिखा इसके बाद आप अपने ही तो पढ़ा दो, आपने क्या क्या रिप्लाई दिया, मैंने पढ़ा मिल के ही बात कर लो ज्यादा बेटर रहेगा, मतलब मेरा के अंदर ये एक्सपेक्टेशन था, चार वर्ड वो चार लाइन पढ़ा, हाँ चार वर्ड ही है, मैं बताता हूँ मिल के ही बात कर लो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, मैंने ये लिखा। तो फिर मैंने बता दो नहीं तो एलविश डाल देगा ट्विटर की, अरे ये देखो ना नंबर, यही मिल के बात कर लो, आपने नंबर दे दिया ना एलविश, हाँ
देखो मेरा मेन ये था कि अगर ये नंबर मांग रहा तो मेरे को कहीं ये था कि क्योंकि ऑब्वियसली नहीं कहीं ये घर पे मीटिंग करना ना आ जाए, क्योंकि एक शायद कुछ तो सीन मैनेजर ऐसा हो सकता है मेरे को ऐसे। नंबर क्यों मांगा? अपने नंबर दे दिया। हाँ। उसके बाद कहाँ पे चैट गई? उसके बाद चैट गई, व्हाट्सएप पे चैट हो रही थी। तो फिर मैंने कहा भाई इससे अच्छा मिलकर ही बात कर लो, क्योंकि मेरे अंदर ये था कि कहीं वो घर पे ना आ जाए, क्योंकि घर पे अगर आए तो मैं कॉल नहीं करता। तो मेरा डर नहीं, घर पे कौन बहस करना चाहेगा, मेरे को बहस करने में मेरे को दिक्कत नहीं है। तो मैंने कहा मिलकर ही बात करते हैं। तो फिर क्या हुआ, एलविश ने मुझे अपनी लोकेशन दी पहले। कहाँ पे? व्हाट्सएप पे? हाँ व्हाट्सएप पे बात हो रही थी। अपनी लोकेशन थी वो, थी कोई तो घर की लोकेशन थी, मतलब मैंने गूगल मैप में चेक किया। तो फिर मैंने कहा, मैं तो जा ही रहा था मिलने घर पे ही, फिर मेरे भाई ने कहा किसी पब्लिक प्लेस पे मिलने ज़्यादा सही रहेगा, तो सबूत भी रहेगा कि तू मिलने गया है उससे। मैंने कहा चल ठीक है, मैं एलविश को मैसेज करता हूँ कि किसी पब्लिक प्लेस पे मिलते हैं। तो वो फिर गुस्सा हो जाता है कि आ नहीं रहा शॉप पे, राइट? हाँ, मैं कहा मेरे दोस्त की दुकान है वहाँ मिल लेते हैं। तो वो गुस्सा हो जाता है कि ऐसे कैसे फलान ठिकाना। फिर मैं इंस्टाग्राम पर लाइव जाता हूँ, तो लाइव जाके मैं उससे कॉल करता हूँ एलविश से कि ये मैं यहाँ पे हूँ भाई, यहीं आ जाओ, मैं तुम्हारे एड्रेस पर नहीं आ रहा, मेरे को यहीं मिलना है। फिर क्या हुआ, इंस्टाग्राम लाइव पर तो सही से बात हुई। फिर इंस्टाग्राम लाइव खत्म होने के बाद उसका दोबारा कॉल आता है एलविश का कि जहाँ मैं बुलाता वहाँ तो मैं तेरे को मारता नहीं, अभी तेरे को बताऊँगा क्या है। जहाँ मैं बुलाता वहाँ तो मैं तुझे मारता नहीं, घर की लोकेशन थी, ऐसे कुछ करके बोलता है मुझे। फिर उसके बाद मुझे लगता है ये मॉल है, वो भी कमेलियाज के सामने वाला मॉल था, वो गुड़गांव की इतनी पॉश सोसाइटी, तो यहाँ पे कोई क्या ही करेगा। मेरे अंदर ये था, तो बस हम रेडी थे, मैंने सब कुछ है पॉडकास्ट टाइप का सेटअप कर रखा था अपना, एक कैमरा यहाँ लगा रखे थे, मोबाइल से कैमरे लगा रखे थे, नहीं पॉडकास्ट मेरा काम था डिबेट करने का, तो मैंने पूरा सेटअप कर रखा था जैसे स्टूडियो में सेटअप करते हैं। करते हैं आप? हाँ, वो पूरा। तो आपको तो पता था कि वो आपसे ऐसे नंबर मांग रहा है, तो आप ऑफ कोर्स बात है कि लड़ाई होने वाली। मुझे ये पता था कि वो बंदा पब्लिक प्लेस पे तो नहीं लड़ेगा, ठीक है। अच्छा, आपने इसलिए पब्लिक प्लेस चुना? हाँ, मैंने इसलिए पब्लिक प्लेस चुना। और जो सेटअप लगा रखा था मैंने, वो सोफा ऊपर लगा रखा था, जो कैमरे लगा रखे थे उसकी रिकॉर्डिंग तो कभी आई नहीं बाहर, ठीक है। तो मैंने जो कैमरा लगा रखा था आईफोन का कैमरा था, विजिबल था। हाँ, उसकी जो मोबाइल से रिकॉर्डिंग है वो है मेरे पास, वो एचडी में है। तो वो जो लगा रखा था वो लड़ाई के वक्त वो रिकॉर्डिंग बीच में बंद हो गई, क्योंकि वो फोन उठा लिया था बीच में किसी ने, तो वहाँ पे लड़ाई। पर आपने डिसाइड क्या किया था दोनों ने कि आप मेरे को डिबेट करने अकेले मिलेंगे या फिर आपकी आर्मी और आपकी आर्मी मिलेगी साथ? नहीं, मेरी आर्मी क्या है, मतलब मेरे साथ तीन दोस्त थे, हम टोटल तीन लोग थे हम, ठीक है। तो मैं तीन, जो दो लोग थे मेरे साथ वो तो बाहर ही थे, वेट कर रहे थे कब आएंगे, तो मैं शॉप में अकेला बैठा हुआ था। तो मेरा पूरा सेटअप था कि पॉडकास्ट करना है, उस हिसाब से मैंने मोबाइल वाला कैमरा लगाया था। फिर क्या हुआ, लड़ाई हो गई, मोबाइल की रिकॉर्डिंग तो चली गई। फिर लकीली एक 1200 रुपये का कैमरा आता है जो दुकान में लगता है, फैंसी टाइप का कैमरा, ठीक है, ऑलरेडी लगा हुआ सीसीटीवी कैमरा, वो प्लेसमेंट ही उसकी वो रखी है, एक काउंटर पर लगा है, एक इस एंगल पर लगा है जिसमें सारे कपड़े दिखते हैं कौन क्या कर रहा है। तो लड़ाई के बाद ना, मेरे को जब लड़ाई हो गई, जब मैं चला गया, तब पता लगा सीसीटीवी में रिकॉर्डिंग हुई है, ठीक है। तो मेरे दोस्त ने बताया सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया सब, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि सीसीटीवी वहाँ पे ऊपर की तरफ कहीं भी सीसीटीवी नहीं था, नीचे की तरफ ही था। फिर क्या था, फिर ये मेरे को कॉल आता है कटारिया का कि एलविश मिलने बुला रहा है। मैं कॉल स्विच ऑफ करता हूँ अपना, और कहाँ बुला रहा है एलविश मिलने के लिए? बुला रहा है दोबारा कि वो सॉर्ट आउट करते हैं उसको, मतलब ये रियलाइजेशन, मतलब वो शॉप वाला कैंसिल हो गया था। हाँ, शॉप में तो लड़ाई हो गई थी, लड़ाई के बाद आया कॉल ये, जहाँ पे आपको मारा था उसने। हाँ, लड़ाई के जस्ट बाद एक घंटे बाद। कैमरा एंगल मैंने देखा था ना, वो आपने ऐसा लग रहा था जैसे आपने पहले नहीं, वो शॉप पे लगा हुआ कैमरा है, वो 1200 का कैमरा आता है, लगा दो कहीं भी। वो दुकान इतनी छोटी है कि उसमें पहली बात तो सजावट पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया है, क्योंकि ऊपर लाइटिंग है सारी, तो ऊपर कोई सीसीटीवी लगा नहीं सकता क्योंकि वो लाइट का फ्लेयर आएगा, तो वो नीचे लगा रखा है कैमरा सारा वहाँ। लेकिन मैक्सिम जो वीडियो मैंने देखा उसमें आप बैठे भी ऐसे थे जैसे आप, वो तो वेट का मुझे लग नहीं रहा था। नहीं देखो, वो देखो प्लानिंग, वो चाहे उसको कॉन्सिडेंस करो, वो कॉन्सिडेंस में ऐसा एंगल आया जैसे लग रहा है कोई नेटफ्लिक्स का शूट चल रहा है, उस टाइप का आया। जो एंगल मैंने लगाया था वो फ्रंट फेस था, उसकी रिकॉर्डिंग अभी भी मेरे पास है जिसमें मेरा चेहरा दिख रहा है। वो रिकॉर्डिंग आप मुझे देना, ले लेना उससे मेरे भाई से, अगर उसके पास होगी तो, मेरे पास तो नहीं है अभी, ठीक है। तो एल्विश फिर अंदर आता है, फिर आते ही साथ उसने ना हेलो किया ना हाय, हाँ, सीधा हाँ दे देना, देन मूवी चल गई। फिर क्या हुआ, सॉरी कोई नहीं। तो फिर भी ये था कि लड़ाई हुई, तो मैंने क्या किया था लड़ाई से बचने के लिए, मेरे को ना सरकारी स्कूल से हूँ मैं, तो मुझे ये पता है कि अगर लड़ाई हो तो क्या करना चाहिए जिससे तुम बचे रह सकते। तो मैंने उसकी कॉलर पकड़ ली थी, छोड़ा ही नहीं, कॉलर पकड़ के उन्हें ये हाथ ब्लॉक कर देता ताकि उसका पैर ना लगे। तो मैंने, पर आपके साथ आपके कोई लोग थे आपको बचाने? नहीं, वहाँ कोई बचाने वाला तो कोई नहीं आया, वो रोक रहे थे। जो मेरे दोस्त थे वो, मतलब
वो भी नाम नाम का ही रोक रहे थे kind of, मैं बताऊं तो सही तरीके से, क्योंकि मैं और उसके जो साथ में जो आर्मी आई थी, जो उसकी टीम थी, उसके साथ तो तुमने देखो आए तो थे शायद 6 से 8 लोग थे, जिसमें से 3 या 4 लोग फाइट में इन्वॉल्व थे। फाइट में तो 3 से 4 लोग ही इन्वॉल्व थे, सारे मिलके आपको मार रहे थे। 3 पीछे खड़े थे, बाकी 3 इन्वॉल्व थे फाइट में। बट कुछ वीडियोस में मैंने देखा वो कुछ बचा भी रहे थे, मत कर मत कर ऐसे। वो मेरे दोस्त ही थे इतना मुझे पता है। फिर एंड कहां हुआ, ये आपको लगी थी चोटें, बहुत लगी थी? हां लगी तो थी, वो उससे पता नहीं चला, मेरे को बाद में पता चला, क्योंकि जो विजिबल चोट थी जो उसी वक्त मुझे फील हुआ वो थी जो लिप्स पे लगी थी। उसके बाद आपने ये सोचा नहीं था कि ऐसा होगा, आप एक दोस्ती के नाते बुला रहे थे? मैं तो डिबेट के लिए बुलाया था, क्योंकि मेरे को ना गलत फहमी दूर करनी थी, क्योंकि मेरे को जो एलवी शर्मा की तरफ से जो हेट आ रहा है ना, मुझे बस ये बताना था कि मतलब डिबेट करके कि ये गलत हो रहा है। वो डिबेट इंटेंशन कुछ मेरा इंटेंशन बस ये था कि डिबेट करके मेरे को ये है कि पूरा समझाना पब्लिक को कि ये क्या सीन है, कहाँ से शुरू हुआ। मेरे फिर एल्विश ने आपको मारने के बाद एक वीडियो बनाई कि आप घर जलाने की बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, मैं दारू पी के भी ऐसी बातें नहीं करूँगा। तो आप अच्छा मैं पीता नहीं वैसे, एक बार पिया है बस। घर जलाने की बात देखो मैं कर नहीं सकता, स्पेशली किसी नॉन बंदे को जिसको मैं म्यूचुअली जानता हूँ, पर्सनली जानता हूँ, उसको तो बिल्कुल नहीं। एक्चुअली मैं किसी को नहीं भी जानता ना, उसके पेरेंट्स में तो नहीं जाऊँगा। हो सकता है 100 बंदे मिलकर मेरे को गाली दे रहे हैं, उनमें से किसी एक को पकड़ के मैं माँ बहन की गाली दे दूँ, पर किसी के माँ बाप को जलाने की बात करना, ये तो मैं, ये सब झूठ था ऑब्वियसली। तो अभी क्या है, सारे हमारी जो दर्शक हैं वो सब यही जानना चाहते हैं कि मैक्सटन और एल्विश में सुलह हुई या फिर ये फिर फेक पब्लिसिटी कर रहे हैं कि हाँ हम लोग सुलह। मैं बताता हूँ सुलह की पूरी स्टोरी। आपने जितनी स्टोरी मुझे बताई मैक्सटन, उसमें से तो यही लग रहा है कि वो झूठ बोल रहे हैं, आप पे झूठे आरोप लगाए उन्होंने और मारा पीटा मुझे, आपने देव धनाधन खुद बोला कि मूवी चल गई। तो व्हाट एग्जैक्टली आई वॉन्ट टू नो कि आपकी दोस्ती हुई है या फिर आप फेक प्रिटेंड कर रहे हैं कि हम लोग दोस्त हैं, ये सच बताओ आज। देखो लड़ाई के बाद ना मैं बताता हूँ पूरा सीन। अब लड़ाई जब शॉर्ट कैसे भी, फिर क्या हुआ, म्यूजिक वीडियो कैसे आई, क्या सीन, मैं सब बताता हूँ शुरू से। तो हुआ क्या कि 8 तारीख को लड़ाई हुई, 9 तारीख को बहुत ज़्यादा मेरे पर प्रेशर आता, मतलब मेरे को बहुत अलग अलग जगह से मेरे घर कॉल आ रहे थे, जब तक मेरे को आ रहे थे तब तक मेरे को फ़र्क नहीं पड़ा। फिर क्या हुआ, मेरे घर के नंबर भी लीक हो गए, तो घर के नंबर लीक हुए, तो वहाँ पे भी डेट थ्रेट आने लग गए, तो घर वालों ने मेरे पे प्रेशर बनाया कि ये केस करके कोई फायदा नहीं है ये। हाँ तो मेरे ऊपर ना, मैं क्योंकि जिस मेंटल स्टेट में था, मेरे को ना किसी से बात करनी थी ना मुझे कुछ सुनना था, तो घर पे कॉल आने लग गए डेट थ्रेट को सारे। तो उसके बाद घर वालों ने प्रेशर बनाया केस लाना पड़ेगा। हाँ डेट थ्रेट, उसके बाद पूरे परिवार के लिए। हाँ हाँ मेरे घर के नंबर आइडिया कहाँ से आ रही थी या फिर एल्विश साइड? नहीं वो तो देखो, अगर पर्टिकुलर नंबर को केस कर दे, अगर उस पर इन्वेस्टिगेशन हो अच्छे से तो पता लग भी जाए, लेकिन इतना टाइम किसके पास है। आपने केस फाइल कर दिया, उसका क्या रिजल्ट निकला? मैं बताता हूँ ना, तो जब 9 तारीख को डेथ थ्रेट्स आने लग गए, तो मेरे ऊपर पेरेंट्स ने प्रेशर बनाया कि केस वापस लेने के लिए। फिर क्या हुआ, सेम डे को रजत भाई का कॉल आता है, ठीक है, रजत भाई का कॉल आता है सनी को, तो सनी को कॉल आता है, सनी मुझे बताता है कि ये रजत भाई का कॉल आ रहा है, तो मैं पूछता हूँ कौन है ये। फिर ये मुझे कहता है कि ये वो वीडियो देखी है जिसमें वो जब फेक साधु घुस जाते हैं घर में, जब लड़ाई होती है, फिर कहता हूँ अच्छा वो, तब मैं जानता था, वीडियोस जानता था मैं उनको, बाय नेम नहीं जानता था। तो फिर क्या हुआ, वो घर पे आए, उन्होंने भी कहा सुलह कर लो आपस में, सब एक ही हो, ये वो अच्छे समझाया। उसके बाद सुबह इतना प्रेशर था, फिर रजत भाई ने समझाया, उसके बाद मैंने कहा चलो ठीक है मामला सॉर्ट ही करते हैं। फिर 10 तारीख को हमारी मीटिंग हुई, तो वही था 10 तारीख को मीटिंग हुई, जनपद से किसी कैफे में थी मीटिंग, तो वहाँ पे मीटिंग करने के बाद रात को कॉल आता है एल्विश की और मैं, एल्विश मेरे साथ 2-3 दोस्त थे बस जो मेरे साथ गए, पेरेंट्स के अलावा 2-3 दोस्त गए हुए थे। तो मीटिंग केस करने के बाद मीटिंग थी राइट? हाँ हाँ 10 तारीख की बात, तो वहाँ वही मीटिंग होती है, फिर हम लाइव आते हैं। बुलाया वहाँ मीटिंग में एल्विश ने? रजत भाई ने प्लान किया था, रजत भाई मेरे घर पे आके बोला था कि ये अभी मैं लाइव जा रहा हूँ, अच्छे से लोगों को बता दो कि ये तुम लड़ाई शॉर्ट करने वाले हो, ये बड़ों के घर के बड़ों के बीच बात करो, ये सब मेरे को बताया कहने के सुलह होने वाली है, ये भी वीडियोस वायरल हो गए थे राइट? जब तक आप केस कर चुके थे तो क्या डर गए थे? 8 तारीख को कर दिया था, सुबह लड़ाई हुई थी 12 बजे के अकॉर्डिंग डर गए थे केस करने के। आपकी हंसी तो कुछ और ही बता रही है कि क्या डर गए थे एल्विश? वायरल क्लिप्स निकालना चाहते हो क्या? मैं तो अब तो खुद जनता डिमांड करेगी नीचे कमेंट्स में कि वीडियोस देखने। डरना ना डरना वो बात की बात है, कहानी सुनोगे तो ऑडियंस खुद ही डिसाइड कर लेगी क्या सीन है क्या नहीं। तो उसके बाद क्या हुआ,
शॉर्ट होने के बाद मेरे को रात को कॉल आता है किसी गौरव नाम के बंदे का कि म्यूजिक वीडियो करना है। तो मैं म्यूजिक वीडियो के लिए पहली बात तो हाँ करने का मेरा मेन रीजन यही था कि मेरे को पब्लिक में ये दिखाना था कि हमारी दोस्ती हो गई है। तो मैंने म्यूजिक वीडियो ऐसा दिखाना था। अभी आपने मुझसे बोला कि आप अनफिल्टर्ड रहना चाहते हैं। जब हम इंटरव्यू के पहले बात कर रहे थे, डर गए। ये क्वेश्चन तब पूछा था जब मैं गुस्से में था। तब मैं 100% अनफिल्टर्ड रहता। तो आप ये फेक प्रिटेंड क्यों करना चाहते हो कि हमारी सुलह हो गई है? तो मतलब अब तो मैं, मुझे तो यही क्लियर दिख रहा है कि आपकी अलविश की बिल्कुल सुलह नहीं हुई है। ये सिर्फ एक फेक आपके फेस पे लग रहा है कि आप प्रिटेंड कर रहे हो कि हम दोनों दोस्त हैं, जस्ट बिकॉज की कॉन्ट्रोवर्सी ना हो और यूथ को गलत मैसेज ना जाए। ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। नहीं, प्रिटेंड करके मेरे को फायदा क्या मिलेगा ये बताओ। आप ऐसे ऐसे कर रहे हैं तो या तो अब आप डर रहे हैं एल्विश से। अब मैं ये कहूंगी, अगर आपको लगता है कि डर रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइए। तो क्या मैक्सटन एल्विश से डर रहा है इसलिए बोल रहा है कि नहीं मैं डर रहा होता तो अकेले थोड़ी जाता। तो कैमरा सामने आप बोल सकते हैं कि आप नहीं डर रहे। अरे देखो क्या पूछा था आपने। मैंने कहा, आपने मुझसे कहा कि फिर मैंने म्यूजिक वीडियो के लिए सोचा कि मैं एक म्यूजिक वीडियो करता हूं। मैं नहीं करता हूं, मेरे को आया, मैं क्यों करूंगा म्यूजिक वीडियो? ताकि पब्लिक को ये पता चले कि हमारी सुलह हो गई। हाँ देखो, मेरा ना नेचर सिंपल सा है। मैं अपना नेचर बताता हूँ। मेरा नेचर ये है, अगर मैं किसी से दुश्मनी रखता हूँ, मैं उससे बात तक नहीं करता। उसके बारे में नेगेटिव नहीं सोचूंगा, पर उससे मैं दूरियां बना लूंगा। पर एक बार अगर किसी के साथ मेरी बातचीत हो जाती है ना, तो उसके बाद मैं पता नहीं मेरा नेचर एकदम से शिफ्ट हो जाता है। मतलब मैं उसके लिए पॉजिटिव हो जाता हूँ, चाहे वो मेरे बारे में नेगेटिव सोचता हो ना सोचता हो, लेकिन मैं उसके बारे में पॉजिटिव ही सोचूंगा। तो मेरा नेचर थोड़ा सा वैसा है। करने के बाद आपने माफ कर दिया? हाँ, मतलब फिर आप कहाँ पे बैठे? जनपद पे कहीं बैठे? मतलब मैंने बहुत ज्यादा रामायण देखी है ना, तो मैंने भगवान राम से यही सीखा है, माफ कर देना चाहिए अपने दुश्मनों को भी। अच्छा, फिर जनपद पे मीटिंग में क्या हुआ? जनपद की मीटिंग में वही बातचीत चली। पेरेंट्स तो नहीं थे ना? पेरेंट्स भी थे वहाँ पे। किस किस के? सिर्फ मेरे थे। एक्चुअली मुझे लगा एल्विश के भी पेरेंट्स आएंगे, क्योंकि जिस हिसाब से रजत भाई ने मेरे को समझाया था कि बड़ों के बीच बात करनी है, तो मुझे लगा एल्विश के पेरेंट्स भी आएंगे। बट सिर्फ मेरे पेरेंट्स गए थे एल्विश की तरफ से, बस उसके दोस्त आए थे। आपके पेरेंट्स तो गुस्से में थे, आपके पापा मम्मी ने देधन आदर नहीं किया? नहीं नहीं, मेरे पेरेंट्स मेरे से ज्यादा शरीफ हैं। क्योंकि एक्चुअल में अगर आप किसी के बच्चे को पीटते हैं तो पेरेंट्स को गुस्सा आता है। नहीं, गुस्सा आया था, लेकिन वही है कि अगर अब देखो घर पे इतने सारे डेथ्स कॉल आएंगे तो पेरेंट्स थोड़े घबरा जाते हैं। तो फिर क्या बातचीत हुई? वही बातचीत, ये भी कटारे पूछ रहा है ये सुशी खाएगा? नहीं, कटारे नहीं, लक्ष्य पूछा है। मैंने कहा नहीं यार, ये तो मैं नहीं खाता, मैं ये नहीं खाता, नूडल्स मंगवा। मजाक लड़के यही बात हुई है। बिल भी उन्हें नहीं भरा जितना मुझे याद है। अच्छा, बिल एल्विश ने भरा था? उसने बुलाया तो वही भरेगा ना, मैं तो मेहमान था ना। अच्छा, फिर क्या सुलह हुई? फिर बातचीत क्या? फिर सुलह होने के बाद बस ये जो भी था कि लड़ाई किस कारण हुई, जो बातचीत मेरे को स्टूडियो में करनी थी, मतलब सॉरी दुकान में करनी थी, वो बातचीत वहाँ हुई, अच्छे से हुई। हाँ, बताओ कितनी लड़ाई? वहाँ तो और ज्यादा पब्लिक थी, वहाँ थोड़ी लड़ाई हुई, वहाँ तो हो चुका था कंट्रोल। फिर उसके बाद उसने, उसके बाद एल्विश ने बोला केस वापस ले ले? नहीं, एल्विश ने नहीं, मतलब मेरे पेरेंट्स ने फोर्स किया कि केस वापस लेने के लिए। ऊपर से मैं ले भी लेता वापस एक टाइम के बाद। पेरेंट्स को ऐसा क्या लगा कि वापस ले लो बिकॉज़ ऑफ डेथ थ्रेट, राइट? ऊपर से अगर पेरेंट्स नहीं भी बोलते तो एक टाइम के बाद मेरा गुस्सा शांत होता तो मैं ले ही लेता वापस। अगर मैं उस समय नहीं भी लेता, अगर मैं कोर्ट गया होता वो सब माहौल देखने के बाद, मैं फिर ले लेता वापस। या फिर मैक्सटन को फिर से धमकी मिली पेरेंट्स के आगे कि केस वापस ले? नहीं, धमकी तो नहीं मिली। वो तो सुलह होने के बाद तो मैं वैसे भी केस रखता नहीं, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं 3 साल से जानता था। तो एक बॉन्ड बना होता है, अगर किसी को आप 3 साल से जानते हो तो कभी ना कभी आपका गुस्सा उसके लिए शांत होगा ही होगा, क्योंकि हम घंटों घंटों पबजी खेलते थे साथ में। तो एक ना हमारा बॉन्ड था कि हम पबजी खेलते थे, तो क्या करना है, चड़ी बड़ी फ्रेंड्स की तरह फिर माफ कर दिया एक दूसरे को। हाँ, उसके बाद सुलह हो गई, आपने केस वापस ले लिया। हाँ, तो चलो अब एल्विश को कॉल लगाओ। अब सुलह हो गई ना, अब कॉल लगाओ। और क्या, जब मैंने ट्विटर की चैट्स पढ़ी, अभी व्हाट्सएप चैट्स पढ़ी, तो कॉल लगाओ, दोस्त है तो लगा, क्या बोलू क्या? हेलो भाई, कैसा है? सुनो भाई, हम दोस्त है कि नहीं? ऐसी क्या बता रही है यार मैक्सटन? तो अभी आप कह रहे थे कि मैं, देखो मैं ना, मैं किसी से मेरा बात, झूठ, आपके सारे झूठ लगे मुझे सारी बात। अरे बात झूठ की नहीं है, बात ये है कि मेरा किसी से बात करने का मन करता है, मैं किसी दोस्त को कॉल नहीं करता। मेरी कॉल हिस्ट्री देखो, जितने भी कॉल मैंने अवॉइड किया है, सिर्फ पापा मम्मी के अलावा किसी से बात नहीं। मोहम्मद अबदी, एल्विश को कॉल करो, मैक्सटन एल्विश को कॉल करो, पूछो हाय भाई कैसा है, हम दोस्त है ना, बस इतना। अब तो मैंने सारी कहानी सुनने के बाद मैंने भी सोचा, क्योंकि मेरी पब्लिक जानना चाहती है मैक्सटन और एल्विश का सुलह हुआ कि नहीं। आप टेक्स्ट तो नहीं कर रहे भाई, कॉल लगा रहा हूँ, झूठ बोल देना। ये देखो, ये उंगली चल रही है, देखो। एल्विश को नहीं कर रहा, किसी और को रिप्लाई कर रहा हूँ व्हाट्सएप पे, कर दिया।
एलविश को तो मेरी चैट भी नहीं है यार। ऐसी नॉर्मल कॉल लगा लो। अब वो लोग मेरे साथ एक एंकर बैठी है, वो पूछ रही है कि आप मेरी और आपकी दोस्ती हो गई, तो मैंने सोचा मैं कॉल ही लगा लेता हूँ। अगर आपने कॉल नहीं लगाया मैं इंटरव्यू तो कंटिन्यू रखूंगी। मैं अपने कैमरा पर्सन आयुष से बोल दूंगी बिल्कुल ऑफ मत कर। अरे यार मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूं यार, एक मिनट। डीएनडी होना शायद। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर डीएनडी होने कृपया व्यस्त है, लगाते रहो कंटिन्यू। नहीं डीएनडी होने क्योंकि अभी कॉल वेटिंग है। ऐसे दिखाऊं? दिख जाएगा, कैमरा लेंस अच्छा है क्या? बहुत अच्छा है हमारा कैमरा, महंगे वाला है ना। डीएनडी होना शायद किसी शूट में होगा। कटारिया को लगाओ। कटारिया से तो बातचीत होती है मेरी, कटारिया से। और अब आपको कुछ और बोलना है, अब आपको बोलना है कटारिया से, भाई अब मैं अपनी फेक पब्लिसिटी में नहीं दिखा सकता, प्रिटेंड नहीं कर सकता कि मैं और वो दोस्त हैं, मुझे सच बताना है। नहीं नहीं ये नहीं करूंगा मैं। देखो देखो मैं अपना नहीं नहीं मैं अपना सिंपल नेचर बताता हूँ, मैं किसी से बात नहीं करता, मैं कॉल पे मेरे को बात करना ही पसंद नहीं है। अच्छा कटारिया को लगा लो, उसकी बेस्ट फ्रेंड है ना कटारिया। हाँ। एल्विश उसको लगा लो बस। क्या बोलूँ उसे? बस यार एंकर पूछ रही है कि मेरी और एल्विश की दोस्ती। चलो बातचीत बता, दो ही रीजन से बातचीत होती है। हाँ भाई साइन करने आ जाना, यहाँ पे आज डेट है, हम लिटरली 4 बार 5 बार कोर्ट गए हैं, बस इतनी बातचीत हुई। एल्विश को आपने बोल दिया बिजी है, डीएनडी पर आपने बोल दिया, अब आप कटारिया को लगाओ, बोलो मैं न्यूज 24 पे इंटरव्यू दे रहा हूँ, एंकर पूछ रही है मेरी और एल्विश की दोस्ती है क्या, बस आप बता दो सच। मैंने तो बता दिया सच, ये भी बोल रहा ये शूट पे ही है, मैं कह रहा हूँ ना शूट पे ही सारे। स्पीकर भाई मैं स्टूडियो में बैठा हूँ अभी, ठीक है, न्यूज 24 के स्टूडियो में बैठा हूँ। क्या पूछना है? एंकर पूछ रही है आपकी और एल्विश की दोस्ती हुई है। अरे एंकर पूछ रही है मेरी और एल्विश की दोस्ती हो गई ना अब। हाँ भाई कब की हो चुकी है, ये तो पहले भी दोस्त थे। हाँ। अच्छा ये अभी तो उसने बताया कि हम मेरे को फेक प्रिटेंड करना पड़ रहा है दोस्ती हो गई। अरे अरे व्हाट्स द ट्रुथ यार, ये आप पूछ रहे हो जो ये मैक्सन कह रहा हूँ सच है भाई, पहली बात तो कटारिया कटारिया। अच्छा कटारिया तुम्हारी आवाज भी एल्विश की तरह है या एल्विश ही बात कर रहे हो? नहीं 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 यार कटारिया, लेकिन अभी इसने थोड़ी देर पहले बोला, आपका पूरा इंटरव्यू देख लेना कटारिया, सुनो पूरा इंटरव्यू देखना, इसने खुद बोला है कि मेरे को प्रिटेंड करना पड़ रहा है दोस्ती का, तो बताओ सच सब। वो ये उसको पता है क्या चल रहा है? अच्छा पहले से प्लानिंग है ना, प्लानिंग कॉल करूंगा तो बता देना। बोलने वाला ये सब बेस्ट फ्रेंड बताया ना, बेस्ट फ्रेंड होते हो? नहीं बेस्ट फ्रेंड तो मैक्सटन है, मैं थोड़ी हूँ बेस्ट फ्रेंड तो आप हो। अच्छा बेस्ट फ्रेंड मैक्सटन है, एल्विश का बेस्ट फ्रेंड अब मैक्सटन है, कटारिया नहीं है। ये हंसी बहुत कुछ वो कर रही है। तो चलो 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 अब सारी अपडेट अब आपको मिल गई होगी, तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको ये जो घुमाया जो फिराया जा रहा है उस पर आपका क्या कहना है। मैक्सटन आर्मी से भी जानना चाहती हूँ और एल्विश आर्मी से भी जानना चाहती हूँ। मेरी कोई आर्मी नहीं है, फैन पॉइंट तो है ना, मेरे को तो बस सिया शंकर के फैन प्यार करते हैं, मेरी खुद के फैन मेरे को नफरत ट्रोल करते हैं। चलो दिल्ली वालों नीचे कमेंट सेक्शन में बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा, साथ ही साथ आपको क्या लगता है जितनी बातचीत हुई ये इनकी तरफ से मैक्सटन की तरफ से फेक लग रही है या फिर जस्ट या फिर एल्विश और ये दोनों नाटक कर रहे हैं। एंड हमारे चैनल दिल्ली 24 सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, मैक्सटन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोल दो, दिल्ली 24 दिल्ली 24 को सब्सक्राइब कर दो।